वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मैच देखने के लिए अहमदाबाद, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं मैच देखने जा रही हूँ। और साथ में है मेरा भाई आने वाला है, मेरा एक कज़िन आया है सूरत से स्पेशली मैच देखने के लिए, और मानसी और पुनीत। तो हम लोग चार जन जा रहे हैं, यानी पांच लोग जा रहे हैं अहमदाबाद। और शाम को मैच है 7:30 को, बट अभी हम 9:30 बजे निकलने वाले हैं क्योंकि अहमदाबाद में थोड़ा और भी काम है। तो यस, लेट्स गो। रेडी? एक्साइटेड? आरसीबी पीछे भी आरसीबी, सभी आरसीबी। मैं तो अभी डिसाइडेड नहीं है। देखने के बाद हम लोग कार में से शिफ्ट हो गए हैं ऑटो में, और दो लोग गए हैं उनका काम ख़त्म करने के लिए, और मैं मेरे दो भाइयों के साथ अभी जा रही हूँ लॉ गार्डन, क्योंकि एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं हम। अभी मैच तो 7:30 बजे है, तो हम लोग शायद 4 या 5 बजे ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, बट तब तक हमारे पास बहुत टाइम, क्योंकि अभी तो 11:30 बजे हैं और हम लोग अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉ गार्डन और वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो मैं उसका वीडियो लूँगी और वो मैं अलग से डालूँगी। तो लेट्स सी वहाँ जाके कितना टाइम मिलता है और कितनी शॉपिंग हो पाती है। तो आज हम लोग आए हैं लॉ गार्डन में, यहाँ पे जो हैप्पी स्ट्रीट है वो, बट ये हैप्पी स्ट्रीट आज मेरे लिए सैड स्ट्रीट है, बिकॉज मैंने और इसकी वजह से ये लोगों की बुरी नज़र लगी है, इसीलिए आज सब ये बंद है। क्योंकि जब मैंने गूगल किया था तो 11 बजे सब कुछ खुल जाता है, बट अभी 12 बजने को आए, बट पौने 12 बट अभी देखो एक या दो ही शॉप खुली है और बाकी सारी जगह खाली है, कोई भी आज नहीं आया है। तो मैं तो पूरी तैयारी करके आई थी, ये बैग वैग भी लेके आई थी कि अच्छा सा शॉपिंग करूँगी, बढ़िया वीडियो डालूंगी, बट मेरा पोपट हो गया। मैंने यहाँ भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि 4 बजे के बाद शायद ज़्यादा लोग बैठते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे शायद H&M या फिर कहीं और फिर शाम को जाएंगे मैच देखने। तो ये थोड़े बहुत टॉल दिखे हमें, सबसे ज्यादा खुश ये दो लोग हैं क्योंकि आज उनको आराम मिला है। उनको कब से H&M जाना था और मुझे लॉ गार्डन जाना था, तो ये सब बंद है। तो अभी हम 5 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, तो खुशी देख लो इन दोनों के चेहरे पे। ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं इस्कॉन। तो अभी हम ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं इस्कॉन मॉल, क्योंकि यहाँ लॉ गार्डन में तो हमारा पोपट हो गया। तो अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो 12:15 बजे और 7:30 को मैच है, तो तब तक हम देखते हैं मॉल में शायद टाइम पास करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं H&M, जो स्टार बाजार के बाजू में ही है। सो लेट्स गो। तो हमारे एक बज चुके हैं और शॉपिंग भी ख़त्म हो गई है, तो अभी सोच रहे हैं हम क्या करें। और H&M का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, खास करके मुझे बॉयज़ का अच्छा लगा, तो
इन लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी सोचते हैं कि क्या करते हैं। सबसे हाइजीनिक पानी पूरी पूरी पैकेट में पैक करके दी है। इसका टेस्ट आई थिंक इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी हाइजीनिक उतना हल्का टेस्ट। तो आप ट्राई करके बताना कैसा टेस्ट। जी बिल्कुल, आप भी करना ट्राई। तो मेरा खाना एकदम प्रॉपर आया है, अचार वचार के साथ। और आपका हाइजीनिक फूड कैसा था? बहुत अच्छा था, सच्ची वाला है जी। सच में तुम्हारा भी अच्छा ही दिख रहा है। एक नंबर मारू तो एकदम यम्मच है। एक नंबर पानी पूरी, एक नंबर खाना। फिर चेंज कर लिया है, अभी हम लोग लंच करने आए थे तो तभी थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने फटाफट चेंज कर लिया और बैग में भी थोड़ा चेंज हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेडियम जाने के लिए, और अभी 3 बजे है हमारा अप्रॉक्स। ऐसा है, हमने रखा है कि 5 बजे एटलीस्ट हम लोग वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि शायद हम लोगों का पार्किंग भी थोड़ा दूर है, वहाँ से चल के जाना पड़ेगा और वो सब। और थोड़ा ग्राउंड का भी हम लोग फील लें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा ग्राउंड का फील लेना है। तो बोर्ड नहीं रखे गए, कुछ भी नहीं है। तो अभी 10 नंबर और आगे है, ये है पार्किंग। सो फाइनली हमें आधा घंटा घूमते घूमते फिर फाइनली हम लोगों को पार्किंग मिल चुका है। यहाँ पीछे देख सकते हो, वैसे बहुत दूर दूर अलग अलग ग्राउंड बना के रखे हैं उन लोगों ने। तो हमारा ऑनलाइन हमने पेमेंट कर दिया था पार्किंग के लिए, तो हमारा 10 नंबर था, बट हमें कब से वो नंबर मिल ही नहीं रहा था और किसी को भी पता नहीं था कि वो नंबर कहाँ है। तो फाइनली आधे घंटे के बाद मिल चुका है और अभी हम लोग चलते हैं ग्राउंड। और एक प्रॉब्लम मुझे लगी थोड़ी, कि वो लोग वॉलेट भी नहीं ले जाने देते। मतलब वॉलेट मतलब बॉयज लोग वो छोटा वाला अपना वॉलेट ले जा सकते हैं, बट हम गर्ल्स अपना पर्स लेके नहीं जा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सामान कैरी किया था मेरी छोटी सी बैग में, बट वो बैग हमें गाड़ी में रखवा दी गई है क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते। तो अभी थोड़े पैसे मैंने वॉलेट में रख लिए हैं और एक चश्मा ले लिया है, बस 2 चीज़ें लेके हम अंदर जा रहे हैं। और मास्क सैनिटाइजर भी नहीं लिया, वो भी भूल गए। तो यस, अभी सीधा मिलते हैं हम लोग स्टेडियम में। और इतनी धूप में अभी तो चलना भी बहुत है। अरे बॉल आया स्टेडियम के बाहर, जल्दी। और ये प्लेन कब का ग्राउंड के आजू बाजू घूमता हुआ, पता नहीं किस चीज़ की ऐड कर रहा है वो, सिर्फ वही जाने, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग बस चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब आएगा स्टेडियम। और धूप में हालत ख़राब होती हुई। तो हमारा गेट नंबर 2 है और फाइनली वो आ चुका है। तो हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 से, एक बार चेकिंग हो चुका है, अभी अंदर जाते हैं। तो पुलिस है यहाँ पे। तो हमारी RO है, check this 1-2 mic, hey mic check, welcome to Tata Mafia 2022 playoffs, ask a man say qualifier 2, hey 1-2-4 check mic, 1-1-1. तो यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल अलाउ नहीं है, तो ग्लास में वो पानी देते हैं और एक ग्लास 10 रुपए का है। तो हम लोग कब से स्टेडियम में तो आ गए हैं, बट अभी भी
बहुत देर है चालू होने में, तो इसीलिए हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। बाहर बहुत सारी धूप है और अभी थोड़ा म्यूज़िक ऑफ हुआ है इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना मुझे कॉपीराइट लग जाएगा। और यहाँ पे ये बीच बीच में खाने के लिए सब बेचते रहते हैं, तो यहाँ पे सब स्टॉल्स है, तो बर्गर किंग है, ये अमूल का आइसक्रीम है, फिर पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, यस। और एक दिक्कत है कि एक तो धूप बहुत है इसलिए प्यास बहुत लगती है कि बॉटल अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ जो बिकती है वो भी हम खरीद नहीं पी सकते, वो लोग हमें ग्लास में निकाल के और वही हमको पीना है वहीं खड़े रह के, तो वो थोड़ी दिक्कत है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने आना पड़ता है। और कितना पानी तो कितना Go!
लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, क्या मैच चल रहा है, शानदार चल रहा है। कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? जो जीतेगी वो तो खरीदने वाले हो उसको क्या फिर? हमारी टीम संडे को खेलने वाली है, ये तो सब टाइम पास, जीतेगी तो गुजरात गुजरात टाइगर।
ये हमारी पब्लिक थकी हारी गर्मी में बेहाल। हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? इनका भी पहली बार था, कैसा लगा? आपका कैसा रहा? हम तो बार बार आते ही रहते हैं, मजा ही आता है। रविवार तो भी हम आएंगे अगर टिकट मिली तो, वरना घर से देखेंगे। कैसे अगर खोली आती वरना हम दोनों के घर में होम थिएटर है, हम लोग होम थिएटर किसी भी एक घर में जाके देखेंगे। ओके चलो तो बाय, अगले साल बाय बाय। गुजरात टाइटन फाइनल। यस, मैच खत्म हो चुकी है और उसके साथ ये ब्लॉग भी खत्म हो रहा है। बहुत मजा आया। अगर आप कभी भी स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए हो तो एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है, और ये तो हमारा अहमदाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो इसमें तो और ही कुछ मजा आया। और मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सिर्फ एक या दो मेरी प्रॉब्लम थी कि गर्मी बहुत थी और थोड़ा मैनेजमेंट में उनका ठीक नहीं लगा मुझे, और पानी का भी थोड़ा इश्यू था कि अंदर वो बॉटल नहीं ले जाने देते और बाहर जाके सिर्फ एक ग्लास मिलता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई ले जाने और आने में। ओवरऑल अच्छा रहा। तो यस, आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो बड़ा लंबा सफ़र है, पार्किंग बहुत ही दूर है, हम लोग बस चलते ही जा रहे। पार्किंग आ ही नहीं रहा, पार्किंग का मैनेजमेंट तो माइनस में मार्क दे वो भी कम है।